हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जी के भाई ज्योति का सूर्य। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैंने आपके लिए डेली करंट अफेयर्स की वीडियो डालनी स्टार्ट की है और आप लोग उसे बहुत ही पसंद कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो डाल रही हूँ। आशा है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और आप इसे डेली देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स का आज की हमारी करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आज है 6 जनवरी 2020 और आज से आज के आपके करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस हरियाणा के बच्चे को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिसी 2020 से सम्मानित किया गया है? हरियाणा के किस बच्चे को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये दोस्तों आपके करनाल जिले के कोटिले पंडित को किया गया है और इनकी एज 10 वर्ष है और ये बहुत से क्षेत्रों के समाज राजनीतिक और राजनीतिक राजनीतिक फिजिकल और पोलिटिकल स्ट्रक्चर जानते हैं और इसे सम्मानित पुडुचेरी की राज्यपाल किरण बेदी ने किया। और किरण बेदी के बारे में आपको पता ही दोस्तों, किरण बेदी हरियाणा की पहली महिला आईपीएस थी। आगे देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन है। किस पूर्व भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये दोस्तों आपके पूर्व भारतीय ऑलराउंडर खिलाड़ी इरफान पठान ने दोस्तों आपके इरफान पठान ने दोस्तों आपके संन्यास क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों से संन्यास लेने की घोषणा की। आगे देखिए दोस्तों, आज का आपका करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट थर्ड क्वेश्चन है। हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष के लिए नया अकादमिक क्षेत्रीय रिसर्च सेंटर कहाँ शुरू किया है? तो ये किया दोस्तों आपके इसरो ने आपके कर्नाटक स्टेट के कन्नड़ जिले में 2 करोड़ के लिए 2 करोड़ की के में नया अकादमिक सेंटर शुरू किया और इसमें दोस्तों इस सेंटर को 2 करोड़ की आर्थिक मदद इसरो प्रदान करेगा। और कर्नाटक में आपका बेंगलुरु शहर और कर्नाटक के बेंगलुरु को सिलिकॉन घाटी भी कहा जाता है। देखिए इसरो के बारे में, देखिए दोस्तों इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया इसरो की स्थापना दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसरो की स्थापना दोस्तों 1969 में हुई थी और इसरो का हेडक्वार्टर दोस्तों बेंगलुरु में है। और इसरो के चीफ हैं दोस्तों के सिवान। आगे देखिए दोस्तों, हाल ही में रोहतक समेत देश के कितने रेलवे स्टेशनों पर हेल्थ एटीएम शुरू होगा? हाल ही में रोहतक समेत देश के कितने रेलवे स्टेशनों पर दोस्तों हेल्थ एटीएम स्टार्ट किया जाएगा? तो ये आपके रोहतक समेत 11 रेलवे स्टेशनों पर हेल्थ एटीएम शुरू किया जाएगा और खर्चा दोस्तों एक बार की जांच के लिए आपको 50 से 100 रुपये होगा। और इसमें इस चेकअप में दोस्तों 16 बीमारियों की आपकी जांच हो सकेगी। आगे देखिए दोस्तों, हाल ही में जिला स्तर के बाद ब्लॉक स्तर पर कौन से स्कूल खोलने का फैसला किया गया है? हाल ही में दोस्तों जिला स्तर के बाद ब्लॉक स्तर पर कौन से प्रमुख स्कूलों को खोलने का फैसला किया गया? तो ये दोस्तों आपके संस्कृति मॉडल स्कूल को खोलने का फैसला लिया गया और 119 ब्लॉक हैं दोस्तों कुल हरियाणा राज्य में और 119 ब्लॉकों में आपके संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की और पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर दोस्तों इन स्कूलों की स्थापना की जाएगी। आगे देखिए दोस्तों, आपके आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का 6th क्वेश्चन है। हाल ही में हरियाणा प्रदेश में सर छोटू राम ग्रामोदय योजना के तहत कितने गांव में विलेज नॉलेज सेंटर खोले जाएंगे? हाल ही में दोस्तों हरियाणा प्रदेश में
सर छोटू राम ग्रामोदय योजना के तहत कितने गांव में विलेज नॉलेज सेंटर खोले जाएंगे। तो ये दोस्तों आपके कुल 750 गांव में विलेज नॉलेज सेंटर खोले जाएंगे, और विलेज नॉलेज सेंटर में दोस्तों कुल बजट आपका 200 करोड़ रुपए आपका बजट रखा गया। आगे देखिए दोस्तों, हाल ही में छोटू राम ग्रामोदय योजना के तहत कितने आंगनबाड़ियों को हाईटेक करने की घोषणा की गई है। तो ये दोस्तों 481 आपकी कुल 481 आंगनबाड़ियों को हाईटेक करने की घोषणा की गई है। दोस्तों इन आंगनबाड़ियों में को हाईटेक करने में लगने वाले खर्चे का बजट कुल 50 करोड़ रखा गया। आगे देखिए दोस्तों सीबीएसई की ओर से भारतीय संस्कृति के विभिन्न रंग थी। आगे देखिए दोस्तों सीबीएसई की ओर से भारतीय संस्कृति के विभिन्न रंग थीम पर 2019-2020 क्षेत्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन कब किया जाएगा। दोस्तों क्षेत्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन आपका 22 से 23 जनवरी को किया जाएगा, और राष्ट्रीय स्तर पर कला प्रदर्शनी का आयोजन आपका 4 से 5 फरवरी को दिल्ली में किया जाएगा। क्षेत्रीय कला परिषद रीजनल आर्ट गैलरी का प्रयोग आपका 22 से 23 जनवरी को किया जाएगा, और राष्ट्रीय स्तर पर कला प्रदर्शनी का आयोजन दोस्तों आपका 4 से 5 फरवरी को नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। और दोस्तों इसका आयोजन सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आपका इस राष्ट्रीय कला स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर कला प्रदर्शनी का आपका आयोजन किया जाएगा। आगे देखिए दोस्तों करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट और भी क्वेश्चन लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। आगे देखिए दोस्तों आपका आज का 9th नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के जंगलों में सबसे बड़ा फूल खिला। तो ये दोस्तों आपके इंडोनेशिया के जंगलों में सबसे बड़ा फूल खिला है जिसका नाम है रेफलेसिया, और इस फूल की उम्र दोस्तों कुल 65 दिन होती है, और इंडोनेशिया की राजधानी दोस्तों आपकी जकार्ता है, और दुनिया का सबसे बड़ा फूल रेफलेसिया और सबसे छोटा फूल ओल्फिया है, और रेफलेसिया फूल की उम्र दोस्तों आपके 65 बताई गई है। आगे देखिए दोस्तों आज की आपकी करंट अफेयर्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और ए आई डी एम के नेता का निधन हुआ है। तो ये दोस्तों आपके तमिलनाडु राज्य के विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और ए आई डी एम के नेता का निधन हुआ दोस्तों, और तमिलनाडु की राजधानी आपको पता ही है चेन्नई है, और तमिलनाडु में दोस्तों पी जे पांडेन इनका नाम था विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष जो तमिलनाडु के। ये देखिए दोस्तों आपका करंट अफेयर्स का मोस्ट आपका 11th क्वेश्चन है, हाल ही में 10 मीटर एयर पिस्टल के शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल में नेशनल चैंपियन कौन बने। तो ये दोस्तों बने आपके सौरव चौधरी 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में चैंपियनशिप बने हैं, और दोस्तों आपको जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सौरभ चौधरी आपके यूपी से बिलोंग करते हैं, और इनकी एज 17 साल। आगे देखिए दोस्तों आज का आपका करंट अफेयर्स का 12th क्वेश्चन है, हाल ही में देश के किस राज्य में आठवां फ्लावर 2020 शुरू हुआ है। तो ये दोस्तों आपके अहमदाबाद में 8वां फ्लावर फेस्टिवल शुरू हुआ है, और अहमदाबाद दोस्तों आपके गुजरात राज्य में स्थित है। हाल ही में देश के किस राज्य में 8वां फ्लावर 2020 शुरू हुआ। तो ये दोस्तों आपके अहमदाबाद में शुरू हुआ, और अहमदाबाद दोस्तों आपके गुजरात में पड़ता है, और गुजरात की कैपिटल दोस्तों गांधीनगर, और गुजरात के सीएम विजय रूपाणी है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों आप इसमें कुल 750 प्रजातियों के फूल होंगे, और 10 लाख और इसमें 10 लाख दोस्तों आगे देखिए दोस्तों हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी का
107 साल की हाल ही में दोस्तों किस स्वतंत्रता सेनानी का 107 साल की उम्र में निधन हुआ था? ये दोस्तों आपके स्वतंत्रता सेनानी थे भीमचंद। हाल ही में किस स्वतंत्रता से हाल ही में दोस्तों किस हाल ही में किस हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी का 107 साल की उम्र में निधन हुआ था? ये दोस्तों आपके भीमचंद्र जना का दोस्तों 107 साल की उम्र में निधन हुआ दोस्तों। और ये 1923 में 17 की उम्र में दोस्तों इन्होंने विदेशी सामानों के विरोध करने पर दोस्तों अंग्रेजों ने इन्हें जेल में डाल दिया था। और